Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get amazing short films and web series from Cheers. 8 लाख तुमने टू व्हीलर पे खर्च कर दिए। कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हो तुम लोग या ऐसे डिप्रिशिएटिंग एसेट्स पे पूरा खर्च कर देते हो? The management has decided that we need to say an early goodbye to you. ये सब ठीक हो जाएगा यार, टाइम थोड़ा खराब चल रहा है बस। यार क्या ठीक होगा यार? सर कुछ लड्डू बचा है, आपके वर्क स्टेशन पे रख दो। कौन सा वर्क स्टेशन? लाओ इधर ही छोड़ो और रुको, ये लो तुम भी ले जाओ, मुंह मीठा करो अपना। लो 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 खाओ। और तुम क्यों इतने उदास बैठे हो यार? तुम खाओ ना लड्डू, ये लो खाओ, ठूसो ठूसो। कितने कमजोर हो गए हो तुम, क्यों मुंह उतार के बैठे हो? तुम्हें तो ट्रीट चाहिए थी ना, बियर पिलाऊं हैं? यार अब तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? मतलब हो सकता है इस पूरे सिनेरियो में शायद कुछ पॉजिटिव हो। हमें थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए यार। हर क्लाउड में एक वो सिल्वर लाइनिंग बोलते हैं ना यार। यस, जैसे लोग कह रहे हैं तू फायर्ड है, बट शायद तू फायर्ड अप हुआ है। या है ना, लुक इन दैट वे। एग्जैक्टली, कम ऑन, है ना? मतलब जैसे ये ग्लास है, कुछ लोग बोलेंगे हाफ एम्प्टी, ग्लास कैन बी हाफ फुल आल्सो। हाफ फुल भी हो सकता है यार, तो तुझे फुल देखना है, अपॉर्चुनिटी देख। तूने मुझे दोबारा फिलॉसफी का एक और लेक्चर दिया ना। ये हिस्ट्री क्रिएटिंग डब्बा जो है ना, पूरा का पूरा तेरे मुंह में घुस दूंगा मैं साले। जब खुद पे बीतेगी ना तब पता चलेगा कि ये फिलॉसफी विलॉसफी ना ये सब कुछ इवेपोरेट हो जाती है और दिखता है तो सिर्फ लोन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दंगल जो मुझे दिख रहा है, जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम खाओ यार, खाओ 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 खाओ। आप भी खाइए, लीजिए लीजिए, मेरी नौकरी जाने की खुशी में लड्डू खाइए प्लीज। खाएंगे, बड़ा फ्लैश है। और आप तो बिल्कुल लीजिए, आपके लिए 2 अलग रखे थे मैंने, प्लीज। सॉरी, मुझे लगा तू सीरियसली खिला रहा है, क्योंकि वेस्ट हो रहा था काफी सारा, काफी महंगी महंगी मिठाई थी। सॉरी गाइस, मैं सरकाजम थोड़ा लेट समझता। अरे हे, अरे अमित, अमित हाय। यार लड्डू खाओगे? थैंक यू। अरे खाओ यार। नो थैंक्स यार, थैंक यू। यार अमित, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते साइन करने के लिए अपनी पेन दी थी, तुमने वापस नहीं की, क्यों? Oh, I'm sorry. I think I might have misplaced it. तुम तो जानते हो यार, इन सब मामलों में मैं काफी बुरा हूँ। Yes, I agree. अरे लेकिन यार, लेकिन एक बात समझाइए मुझे, आप एक पेन नहीं संभाल सकते, आप पूरी टीम कैसे संभालते हैं? ये क्या राज है आपका? Excuse me. I will take your leave, Shreya. Good luck. अरे पर मेरी पेन? अरे अरे पेन तो दे जा भाई। एक चिकन विंग्स और बियर पिएगा ना, 2 अल्ट्रा। यार आज तो मेरी स्ट्रॉन्ग वाली बनती है यार, 1 अल्ट्रा मैक्स प्लीज। 1 अल्ट्रा, 1 अल्ट्रा मैक्स, 1 विंग्स। हाँ। यार आई थिंक तो कुछ ज़्यादा सेंटी हो रहा है, मतलब आई थिंक कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला होगा यार। आई थिंक
शायद इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड राइट. मतलब तू कब से इतना सेंटी होने लग गया है? ये सब तुझ पे अच्छा नहीं लगता. चला चीयर्स कर. तू ही कब से सीरियस है यार, समझ नहीं आ रहा यार. मतलब थोड़ा रब ऑफ तो होगा ना दोस्त है तू मेरा. मतलब ऐसे मेरी नौकरी गई है भाई, क्या करूँ, नाचूँ गाऊँ? कोनी मंडे सुना था यार, आज देख भी लिया आंखों के सामने यार. मतलब आधा फ्लोर खाली हो गया यार. मजे की बात है, मैं पूरे वीकेंड तैयारी करके आया था कि मंडे मॉर्निंग एचआर के पास जाऊंगा कि भाई मेरे को तो इनह्यूमन और ये सैड वर्किंग कंडीशन के अगेंस्ट कुछ तो कंप्लेन करना है. मेरी चेयर का प्रॉब्लम बताया तेरे को, ऐसे ऊपर करता हूँ यूँ, धीरे 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 यूँ ऊपर आता हूँ, काम करना शुरू करता हूँ, वैसे ही प्यार से नीचे चली जाती है. डॉक्टर ने कहा बैक प्रॉब्लम है, थोड़ा स्ट्रेच किया करो. यूँ पीछे स्ट्रेच करता हूँ, यूँ यूँ बैक सामने. बट भाई अब नहीं, मैं तो उसी चेयर पे 1.5 साल 2 साल 3 साल काम कर लूँगा भाई, बस नौकरी नहीं जानी चाहिए. आईटी ले ऑफ ने दिमाग खराब कर दिया भाई. नहीं क्या किस्मत है यार, मतलब एक ही दिन में सब कुछ एक ही दिन होना था क्या? शायद मैंने वो बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ बोला ना सुबह, नहीं बोलना चाहिए था यार. थोड़ा आई थिंक उससे जिंक्स हो गया यार, काफ़ी मनहूस. पता नहीं यार, लाइफ बहुत अजीब है यार. सो थैंक यू. थैंक यू. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि नई बाइक की खुशी मनाऊं या नौकरी जाने का गम मनाऊं. यार नौकरी इज जस्ट लाइक दिस बियर बॉटल यार, इट्स ऑलवेज वन अराउंड द कॉर्नर. मिल जाएगा यार, ठीक है. मेरी नौकरी गई है, नई बाइक की लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे चलेगा ये सब? यू थिंक इट्स दैट इजी? कुछ नहीं होता यार, चिल मार यार. ये बियर के साथ ठंडी बातें मत कर यार, चिल, जस्ट चीयर अप. घंटा चीयर अप. क्या बोल रहा हूँ भाई, खुश रहे यार, मिल जाएगी नहीं नौकरी. घंटा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा भाई, मेरी बात मान. हाँ यार, वैसे तेरी बात तो माननी पड़ेगी यार. ऑफ कोर्स यार, सबसे इम्पोर्टेंट बंदा तो तू ही है. कुछ भी बोल रहा है यार, ऐसा क्यों? अरे कहाँ मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ यार, तू तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदा है यार. चल इंट्रो दे अपना. इंट्रो दे तुझे. अरे देना इंट्रो, देना बोल रहा हूँ तो इंट्रो दे. क्यों भाई, तू इंजीनियरिंग से जानता है यार मेरे को यार, फालतू एक वचन मत पूछ यार. अरे तू इंट्रो देता है या दूं मैं तेरे को एक? चलो ये भी कर लेते. माय नेम इज अभिषेक कुमार, स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, कुछ लड़कियों क्यूट भी लगता हूँ, टेक फर्स्ट में काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर. शादी का बायोडाटा बता रहा है? क्या बोलूँ भाई, मतलब तू जानता भी है कि तू कौन है? अच्छा एक तू जानता है कि मैं कौन हूं? मैं बताऊं मैं कौन हूं? मैं एक टेस्टर हूं और आप एक डेवलपर हैं. से क्या हो गया भाई, भाई है दोनों यार, ऐसा क्या? ना 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 ना, एक टेस्टर और डेवलपर कभी भाई नहीं हो सकते. हाँ लेकिन बेशक मतलब अभिषेक और श्रेय भाई हो सकते हैं, लेकिन एक टेस्टर टेस्टर होता है यार और डेवलपर डेवलपर होता है. और आज एक मामूली से टेस्टर को नौकरी से निकाल के ना इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो एक मिडिवल कास्ट सिस्टम है ना, उसमें डेवलपर जो कि आप हैं सर, आप मुझसे बहुत ऊपर हैं और मैं टेस्टर आपसे बहुत नीचे हूं सर. क्या होता है मेरे साथ, आज मेरी बाइक की नई डिलीवरी आई है, मैं अपनी बाइक पिकअप करता हूँ, उसके बाद फिर मैं रास्ते से मिठाई उठाता हूँ ताकि मैं अपने ऑफिस वालों को मिठाई बांट सकूँ. क्या होता है उसके बाद, मुझे एचआर अपने कैबिन में बुला के बोलती है कि हाय गुड मॉर्निंग श्रेय, वी नो लॉन्गर नीड योर सर्विसेज, आई होप वी कैन पार्ट वेज ऑन एमिकेबल टर्म्स. क्या करूँ मैं, ताली बजाऊँ वहां पर बैठ के? साले पूरी जिंदगी अपनी गांड घिसा के इंजीनियरिंग की तैयारी की, फिर घिसा घिसा के एग्जाम्स दिए और फाइनली इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि पूरी जिंदगी भर मार्क्स ना मेंटेन रहे ताकि जब कैंपस में प्लेसमेंट के लिए लोग आए ना तो वो साला मेरे सीवी के अंदर ना मूंगफली ना खाए. चलो जैसे तैसे करके टेक फर्स्ट में नौकरी मिल गई, तू भी मेरे साथ था हा? उसके बाद अचानक से एक टैलेंट मैनेजर आता है,
जो रैंडम नंबर जनरेशन के हिसाब से तेरे को डेवलपमेंट में डाल देता है और मेरे को टेस्टिंग में डाल देता है। तू मुझे एक बात बता, तू क्या ट्रेनिंग में जावा के कोड झगड़ा था जो तेरे को डेवलपमेंट में डाल दिया और मेरे को टेस्टिंग में डाल दिया? अरे मैं तो बोलता हूँ कि उस हरामजादे को पहले नौकरी से निकालो। वो होता कौन है भैंचो तुम्हारे, हमारा फ्यूचर डिसाइड करने के लिए इस रैंडम नंबर जनरेशन के हिसाब से? चलो खैर कोई बात नहीं यार, मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं, नसीब में ये लिखा है, जो है जैसा है ठीक है, कर लेंगे टेस्टिंग करेंगे। तेरा भाई जो है ना वो टेस्टिंग में ना फाड़ देगा, घंटा झंडा गाड़ देगा, उससे भी बड़ा घंटा। ये लास्ट रिलीज में क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ? मेरे को मेरे सीनियर्स ने बोला कि ओपन स्टैक एनवायरनमेंट सेटअप करो। मैंने ओपन स्टैक एनवायरनमेंट सेटअप की, उसके बाद क्या पता चलता है कि नहीं, पाइथन स्क्रिप्ट लिखवाई मेरे से टू ऑटोमेट टेस्ट केसेस और उसके बाद गांड पे लात मार दी मेरे को। अरे भाई अगर ऑटोमेशन पे ही तुमको सब कुछ करवाना था तो मेरे को क्यों बोला पहले, मेरे से क्यों इतनी मेहनत करवाई तुमने? और इस ऑटोमेशन के नाम पर हालत तो मेरी खराब हुई ना, नौकरी मेरी गई है। और एक बात बताऊं यार, हम टेस्टर्स का ना कोई वीकेंड वीकेंड नहीं होता, वीकेंड तो आपका होता है सर। क्या होता है हमारे साथ, हमारे पास डेवलपर आता है, हमको कोड देता है और कहता है कि ये लो कोड, मंडे को प्रोजेक्ट रिलीज है। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, फ्राइडे सैटरडे लगे रहते हैं कोड को टेस्ट करने के लिए, बैठ जाते हैं रातों रात बैठ के मेहनत करते हैं, उसके बाद अचानक से ही पता चलता है कि नहीं तुम्हारे फ्लो में तो डिफेक्ट है। और जब डिफेक्ट निकल आता है, अमित जैसे चूतिया इनकॉम्पिटेंट मैनेजर के पास जाओ, उसको बोलो कि सर इस फ्लो में तो डिफेक्ट है, तो वो उल्टा तुमको गाली देता है, तुमको बोलता है कि अरे यार मेरे पास क्यों आए, तू जाके अपने डेवलपर को फोन कर। ठीक है कोई बात नहीं, डेवलपर को फोन करो तो डेवलपर भाई साहब तो गुड टाइम्स बना रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहे हैं बाहर बैठ के। उसको जब फोन करके बोलो तो वो बोलता है कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, वो तो वीकेंड में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर हूं, तुम मेरे को मंडे फोन करना, मैं मंडे ऑफिस में आके चेक करूंगा। ठीक है यार तुम डेवलपर हो, तुम्हारा हक है, तुम ऐश करो, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमारा तो वीकेंड भी चखने के तौर पर ना कोड के साथ निकलता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमको कस्टमर फोन करता है, कस्टमर फोन पे गाली गलौज कर रहा होता है, बोलता है हेलो हू द फक आर यू गाइस, व्हाट द फक हैव यू डन, दिस इज नॉट व्हाट माय रिक्वायरमेंट, यू गॉट योर कोड्स रॉन्ग। उसके बाद मैनेजर तुम्हें कॉल करके बोलता है कि हेलो ये रिक्वायरमेंट तुमसे कैसे मिस हो गई भाई, तुमको अपना काम करना नहीं आता, तुम बेकार में बैठ के सैलरी खाते हो। मैं बोलता हूँ कि चूती है, जो तू मेरे को बोल रहा है वो तो अपने डेवलपर को बोलना, उसको फोन करके बोल, उसको बोल कि ये गलती तेरे से कैसे हुई, तेरी नजरों से कैसे छूटा। बट बाय द एंड ऑफ इट घुमा फिरा के बात एक ही जगह आती है कि टेस्टर टेस्टर है सर, डेवलपर डेवलपर है, और ये सिस्टम हमेशा रहेगा। ले ऑफ करना है, नौकरी से निकाले तो टेस्टर को निकाल दो, और डेवलपर इज एन एसेट यार, है? तू बता ना क्या गलती है मेरी? बियर गर्म हो गई है, ऑर्डर कर देता हूं एक, रिपीट कर दीजिए ना, एक अल्ट्रा और अल्ट्रा मैक्स एकदम चिल्ड। ओके सर। यार भाई बोला था यार तूने, चार लेटर वर्ड के लिए तूने चार मिनट मार ली यार मेरी। यार काफी स्ट्रॉन्ग है यार, ट्राई करो। स्मूद है यार काफी। साला कैश लाइफ भी ऐसी होती यार। भाई तू फिर से गलत ट्रेन पकड़ रहा है। तूने तो सही ट्रेन पकड़ ली, नौकरी तो हमारी गई, ले ऑफ तो हमारा हुआ यार। मे बी इट्स नॉट ले ऑफ, लाइक इट माइट बी ले ऑफ, समझ रहा हिंदी वाला, लाइक ले ऑफ मतलब तू जा और अप्लाई करता रहे, लाइक कुछ टैलेंट होगा, कुछ पैशन होगा, शायद ये अपॉर्चुनिटी है उन चीज़ों को फॉलो करने की, शायद तू अपना पैशन फॉलो कर रहे, कुछ और इससे बेटर हो जाए यार, मतलब
साला मुझे तो ये भी नहीं पता मैं किस चीज के लिए स्पेशल हूं, आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया पता है। और मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं अभिषेक पता है, जिनको जिनको पता ही नहीं है वो क्यों है। पता है स्कूल में मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट में हमेशा डी ग्रेड मिलता था। म्यूजिक टीचर इस बात से डरती थी कि कहीं ये गाना गाना ना शुरू कर दे, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो मुझे दूर से देख के भागने लग जाते थे। पता है मैं बियर हूं, ऐसा कुछ बोल के ना स्टार्टअप करने की पेशेंस और पैशन था नहीं मेरे अंदर यार। पता है अभिषेक मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, मेरे जैसे लोग मटेरियल चीजों को अपना सब कुछ बना लेते हैं और उसी के पीछे पड़ जाते हैं। दे जस्ट कीप चेसिंग दैट नॉनशैलेंटली यार। मैंने क्या किया, पूरी जिंदगी हॉलीवुड फिल्में देखी और ये सपना बना लिया कि मैं किसी दिन ना सुपर बाइक खरीदूंगा यार, और मैं लग गया उसके पीछे। इंजीनियरिंग की, नौकरी की, सैलरी सेव की, बाइक खरीदी, नौकरी चली गई। I mean, it's crazy यार, it's crazy। पता है अभिषेक, बाइक ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पैशन था, मेरा सब कुछ था वो, और आज अब देखो शिवानी को भी कोई और पटा लेगा। भाई भाई शिवानी की तो चिंता ही मत कर, तेरा भाई अभी भी ऑफिस में है ना, मेरे दोनों आँख पूरे टाइम नहीं बट मैं रखूंगा नजर भाई, ऐसा कुछ समझ रहा है ना, मैं हूँ भाई ऑफिस में, मतलब ऐसे क्यों सोच रहा है भाई। एक बात बताऊँ, बुरा नहीं मांगेगा तो, बहुत देर से बोलना चाह रहा हूँ बट तेरा मूड थोड़ा, लड्डू मस्त है यार, क्या मिठाई मिठवाई तूने यार, ओए यार भाई जिंदगी में कसम से पूरे ऑफिस में सिर्फ उसकी बात चल रही थी भाई, लौंडे ने क्या मतलब डायबिटीज वाला खा रहा था यार, उसको शुगर की प्रॉब्लम है, दबाया जा रहा है भाई, बहुत सही यार। घर पे बताया क्या वैसे, क्या कह रहे थे? रिएक्ट नहीं किया यार, शायद रिया करके मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे। तो तू पुणे में ही है या फिर घर जाने का कोई प्लान है? घर जा रहा हूँ अगले वीकेंड घर। ऑकवर्ड रहेगा क्या घर पे? भाई को रोटी दे दो। mm-hmm. अरे इसे क्या हो गया है, ठीक से आजकल बोलता भी नहीं है, आप इसे कुछ समझाइए ना। संध्या तुझे तो कुछ कहा नहीं ना इसने? मुझसे कुछ नहीं कहा, मुझे तो सिर्फ हाँ या ना ही जवाब देते हैं, लग ही नहीं रहा घर में है, वरना अब तक एक दो महाभारत तो हो ही गई होती ना। वही मैं सोच रही हूँ, प्लेट देखो कुछ खाया भी नहीं। उसे संभालने का इतने भी क्या जल्दी है तुमने? मैं जानता हूँ उसे, इतना कमजोर नहीं है अपना श्री, मुझे एक रोटी देना। सोया तो नहीं? अरे नहीं नहीं पापा, अभी कहाँ, आइए ना प्लीज। सो तेरी नई बाइक कैसे चल रही है? मेरे हैंडसम बेटे को लड़कियां मुड़ मुड़ के देख रही हैं कि नहीं बाइक पे सवार होते हुए? नहीं पापा, ज्यादा चला ही नहीं अभी तक। क्यों? इस
इतने सालों से जमा करके रखा था इसी दिन के लिए और जब आ गई है तो गैराज में भाई साहब वो पापा अभी इतना बड़ा लोन भी लिया है और अभी जॉब भी नहीं है तो मुझे तो ये बाइक ना अनलकी लग रही है थोड़ी सी शायद नसीब में ही नहीं था मेरे पापा आई थिंक कुछ ज्यादा ही बड़ा सपना देख लिया मैंने बेटा सपने कभी बड़े नहीं होते उसे पूरा करने की जिद बड़ी होनी चाहिए सपने बेलगाम होते हैं लगाम सपनों पे लगाओ और जैसे तुमने किया बचपन से बाइक्स के पोस्टर्स न्यूज़पेपर कटिंग्स और पता नहीं क्या क्या जमा कर रहा था तू तेरी मम्मी कमरे में आई बोली मैं तो ये कमरा साफ करके ही रहूंगी मैंने कहा क्यों कमरा लॉक कर दिया मैंने और चाबी मैंने छुपा दी जब तक तेरे मम्मी के सिर से वो भूत सवार नहीं जाता तब तक ये तुम्हारा सपना है सपनों पे कभी धूल नहीं जमती बेटा पता है पापा मैं 5 साल तक पैसे जोड़ता रहा एंड यू नो इट पता है आपको पापा जब कॉलेज में और ऑफिस में जब मेरे दोस्त यार या आसपास वाले कुछ हॉलिडे का प्लान बनाते थे तो मैं कोई ना कोई रीजन देके ना कट लेता था वहां से क्योंकि मेरे मन में ये था कि जिस दिन मैं अपनी ड्रीम बाइक का सपना पूरा कर लूंगा उस दिन एक रोड ट्रिप लूंगा मैं और जब तक मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए वो हासिल ना कर लूं तब तक बस मैं पैसे जोड़ता रहा पापा एंड यू नो इट यू सीन इट एक टाइम पे तो मेरे दोस्त यार मुझे कहते थे कि यार यू सो स्टूपिड शे जितने पैसे की तू बाइक लेना चाहता है उतने की पूरी गाड़ी आ जाएगी बट फिर भी यू नो आई परसिस्टेड मैंने किसी की बात सुनी नहीं बस पैसे जोड़ता गया और वो करता गया जो मेरा दिल कहता था पता है क्यों पापा क्योंकि बचपन से आपने मुझे सिखाया था कि अपने सपनों के लिए लड़ो और आज देखिए ना पापा लुक एट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन जिस दिन मुझे खुश होना चाहिए उस दिन मेरी नौकरी चली गई बट खैर यू नो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग पापा की ये बाइक बेच दूं मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि दोबारा सेटल हो जाऊं उसके बाद देखेंगे अगर नसीब में रहा तो फिर तुझे याद है वो दिन जब मैंने तेरे जन्मदिन पे एक साइकिल तुझे गिफ्ट की थी यस हाउ कैन आई फॉरगेट दैट पापा आज भी कोई फॉर्म भरो तो एनी मार्क्स ऑन योर बॉडी का जो कॉलम होता है वहां पे मतलब वही उसी साइकिल की दी हुई चोट है मेंशन उसका आज भी होता है कि नेवर फॉरगेट दैट हाँ ऐसा लगता है कि गली की तो बात है तुझे स्टॉपर्स नहीं निकालने थे क्योंकि तुझे डर था साइकिल तो तूने सीख ली उसमें कोई शक नहीं लेकिन तुझे वो स्टॉपर्स नहीं निकालने थे और तूने कभी ट्राई भी नहीं किया मैं सोचता रहा कि ऐसे कभी साइकिल ही नहीं सीख पाएगा तू स्कूल से वापस आ रहा था तो उसके पहले मैंने वो दोनों व्हील्स के स्टॉपर्स निकाल दिए और तुझे भरोसा दिलाया कि मैं तेरे पीछे पीछे भागूंगा और साइकिल को पकड़ लूंगा
और कहीं बीच में मैंने हाथ छोड़ दिया। तू साइकिल चलाता रहा तो गिरा नहीं, बिल्कुल नहीं। तुझे ऐसा लगा कि मैं अभी भी साइकिल के पीछे पीछे दौड़ रहा हूं और साइकिल को पकड़ के दौड़ रहा हूं, एकदम फर्स्ट क्लास, परफेक्ट बैलेंस। पता नहीं एकदम से तुमने मुड़ के देखा पीछे, जब तुमने मुड़ के पीछे देखा तो डर हावी हो गया, तब डर हावी हो गया तो तेरा बैलेंस गड़बड़ा गया और तू गिर गया। मुंह के बल गिर गया, आगे की तेरी दो दांतें ये वाले टूट गई और पता नहीं और कहां का चोट लगी। और फिर वो स्कूल के रजिस्टर में क्या कहते हैं, मार्क्स, मार्क्स ऑन योर बॉडी, हाँ मार्क्स ऑन योर बॉडी का कॉलम, उसमें मैं शामिल हो गया, मेरा कंट्रीब्यूशन शुरू हो गया उसमें। तेरे माँ के साथ बहुत झगड़ा हुआ, वो एक अलग इतिहास है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन शी यूज दिस एज अ वेपन, यू नो, ब्रह्मास्त्र की तरह उन्होंने ये इस्तेमाल किया। कहने लगी कि यू आर वेरी केयरलेस। अरे हाउ, व्हाट केयरलेस? आई आल्सो रिमेंबर पापा कि मैंने आपसे दो तीन दिन बात नहीं की थी। आई वाज वेरी वेरी अपसेट विद यू। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा धोखा दिया हो मुझे आपने। यू नो, हाउ कुड माय फादर डू दिस टू मी, हाउ कुड ही अबैंडन मी। वंडरफुल मेमोरीज ना, यस, ब्यूटीफुल मेमोरीज। एक बात पूछूं पापा? पूछ। ये टॉपिक आपने अभी अचानक से ऐसे क्यों निकाला? तू गिर गया था, तुझे बहुत चोट लगी थी, लेकिन तुमने साइकिल उठाई गिरने के बावजूद। मायने वो नहीं रखता कि हम कितनी बार गिरे हैं, मायने वो रखता है कि हम कितनी बार गिर के खड़े हुए हैं। You're right, पापा, पर ये सारी बातें हैं कहने सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, किताबों में अच्छी लगती हैं, थोड़ा प्रैग्मेटिक होना भी जरूरी है। And I think I will sell this bike. नई बाइक है, अगर अभी बेच दूंगा तो रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी पापा। एंड फिर वो जो लोन की लाइबिलिटी है वो भी क्लियर हो जाएगी। आई रियली थिंक आई शुड सेल द बाइक पापा। बेटा, सपनों की बैलेंस शीट में कभी नुकसान और फायदे का कॉलम मत रखना। मैंने तुझे कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं, कभी मना नहीं किया। इनफैक्ट आई हैव ऑलवेज गिवन यू द गो अहेड एंड एनकरेज्ड यू। तुझे लगता है तुझे बाइक बेचनी है, बेशक बेच। तेरे दिमाग को ठंडक पहुंचेगी, बेशक बेच। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अपने पापा की बात मानेगा? जी पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स। देख बेटा, घर बैठे बैठे तू सोचता रहेगा, बहुत सारे विचार तेरे दिमाग में आएंगे। एंड यू नो दैट प्रोवर्ब, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। पिछले 5 साल से अपने हॉलीडेज सैक्रिफाइस कर रहा है इस दिन के लिए, ये बाइक लेने के लिए। गिफ्ट योर सेल्फ अ हॉलीडे सन, टेक दैट रोड ट्रिप सन। दे से दैट द रोड हैज आंसर्स टू एवरीथिंग। तेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं, टेक दैट रोड ट्रिप। मेरे लिए, फॉर मी। हमारे बॉक्सिंग में एक कहावत है, यू डोंट लूज अ फाइट बिकॉज यू फॉल,
You lose the fight because you refuse to rise. Take that road trip, son. मायने वो नहीं रखता कि हम कितनी बार गिरे, मायने वो रखता है कि हम कितनी बार गिर के खड़े हुए। Take that road trip. लोग अपने दोस्तों के साथ नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए रोड ट्रिप लेते हैं। एडवेंचर, स्पीड, एड्रेनलिन रश एक्सपीरियंस करने के लिए रोड ट्रिप लेते हैं। मैं सोलो रोड ट्रिप ले रहा हूँ। जी हाँ, सोलो, मेरी नौकरी जाने की खुशी में। वाह पापा वाह। मुंबई, कोलकाता एंड गैंगटॉक। अरे धूम मचा दे, धूम मचा दे। अंकल अंकल अंकल, ये वो वाली बाइक नहीं है। पता है, लेकिन फील तो सेम है ना। क्या मेरी तरह आपकी किस्मत का भी राहु भारी है? अगर है तो प्लीज अल्ट्रा शॉर्ट्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अगले 5 मिनट में अपने 10 दोस्तों के साथ ये शेयर करें, नहीं तो। एंड टू एंजॉय मोर ऑफ सच अल्ट्रा शॉर्ट्स, डू सब्सक्राइब टू चीयर्स ऑन यूट्यूब। तू बड़ा खुश है ना कि तेरी नौकरी बच गई? यार तू फिर वैसे ही वही ट्रेन पकड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब गलत समझ रहा है। चलो इसी बात पे ये बियर तू पिला रहा है। चीयर्स। ऑफ कोर्स मैंने कहा ही था। मैं वॉलेट भूल गया ऑफिस में यार। मजाक नहीं कर रहा था, इसमें वॉलेट नहीं मिल रहा। ये देखो, पहले पूरे ऑफिस को लड्डू खिलाए, उसके बाद उसको ये बियर पिलाई। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपनी नौकरी जाने की खुशी मना रहा हूँ या गम मना रहा हूँ साले। सॉरी भाई, मैं इसकी खबर लेता हूँ। तब तक आप प्लीज अल्ट्रा शॉर्ट्स को लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और तू मुझे एक बात बता, तू पूरा वॉलेट कैसे भूल गया अपना? भाई शिवानी के डेस्क। अबे शिवानी क्या सोचेगी? मैं तेरा नहीं, मतलब बर्थडे मनाता हूं, तेरा बर्थडे मनाता हूं, बर्थडे याद क्या बोल रहा है? फिर क्या डरना, अकड़ना अब कर।